हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अपनी गाड़ी के फास्टैग में रिचार्ज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाला हूं कि आप सिर्फ 2 मिनट में अपने गाड़ी के फास्टैग में रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और साथ ही साथ इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं आज की स्क्रीन पर। अपनी गाड़ी का फास्टैग रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको फोन पे एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल फोन में फोन पे एप्लीकेशन नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे और इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप फोन पे एप्लीकेशन को डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल फोन में ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ से इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद सबसे पहले इस एप्लीकेशन में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर फास्टैग का रिचार्ज करने के लिए नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको एक सेक्शन देखने के लिए मिल जाता है, रिचार्ज एंड पे बिल्स। इसके नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको ऑप्शन जाता है सी ऑल, इस पर क्लिक करेंगे। सी ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने रिचार्ज से रिलेटेड काफी सारी सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती हैं। तो यहाँ पर रिचार्ज के सेक्शन में आपको सेकंड नंबर का ऑप्शन मिल जाता है फास्टैग रिचार्ज, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा और आपके सामने काफी सारे बैंक के नाम निकल कर आ जाएंगे। आपका फास्टैग जिस भी बैंक का है उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका बैंक का नाम इस लिस्ट में नहीं आता तो ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। इस सर्च बार में अपने बैंक का नाम टाइप करके अपनी बैंक को सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे जिस भी बैंक का फास्टैग है उस बैंक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक को सिलेक्ट करते ही आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हीकल्स नंबर। आप जिस भी व्हीकल्स में फास्टैग का रिचार्ज करना चाहते हैं उसका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको यहाँ पर सही तरीके से टाइप कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करने के बाद कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ी देर वेट करेंगे। कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। जिस भी व्हीकल्स का आपने रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया था उसकी सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएगी। यहाँ पर कस्टमर का नाम देख सकते हैं और जो भी उसके फास्टैग बैलेंस है यहाँ पर आप बैलेंस देख सकते हैं, यानी कि उस अभी फास्टैग कार्ड में 1930 रुपए 88 पैसे का बैलेंस है। अब यहाँ पर फास्टैग में रिचार्ज करने के लिए नीचे आपको रुपए का कॉलम देखने के लिए मिल जाता है। तो इस कॉलम में आप देख सकते हैं 1000 रुपए ऑलरेडी टाइप है। तो यहाँ पर मैं 500 रुपए का रिचार्ज करना चाहता हूँ तो यहाँ पर 500 रुपए को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड टू पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप पेमेंट के पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वेरीफाई मांग रहा है, यानी कि जिस भी मोबाइल नंबर से मेरा फोन पे अकाउंट बना हुआ है वो सिम कार्ड इस मोबाइल में नहीं है। तो यहाँ पर ये वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ रहा है, आपके में ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर पेमेंट करने के लिए डायरेक्टली आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप पे के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका यूपीआई पिन है वो वहाँ पर टाइप करेंगे। यूपीआई पिन टाइप करने के बाद जो भी आपका 500 रुपए का रिचार्ज करना चाहते थे वो आपके फास्टैग में 500 रुपए का रिचार्ज कम्प्लीटली हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपए कट जाएंगे। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान तरीके से फास्टैग में रिचार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।